पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनते ही देश की राजधानी में उथल पुथल शुरू हो गई है। धामी को मुख्यमंत्री बने अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस विधायक हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत धरने पर बैठ गई। अनुपमा रावत अपने समर्थकों और गांधी जी की तस्वीर के साथ श्यामपुर थाने के बाहर धरना दे रही हैं। उनका आरोप है कि उनके समर्थकों को, जिसमें नाबालिग भी शामिल है, पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस भाजपा के इशारों पर काम कर रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। आप भी देखिए, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ मैंडेट दिया। 11 तारीख से 24 तारीख हो गई है लगातार। खास तौर पे लालढांग क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से भाजपा के इशारों पे चल रहा है। रोज सुबह 5 बजे से रात के 3 बजे तक लोगों को उठाया जाता है, आम नागरिक को, कांग्रेसियों को, उनको परेशान किया जाता है और उनको हैरेस किया जा रहा है। आज हद ये हो गई है कि एक नाबालिग बच्चा है जो 12वीं का इंटर का छात्र है, वो एग्जाम देने गया था, उसको एग्जाम सेंटर से उठा लाया गया और उससे कहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर को पूरा वो खराब कर दिया जाएगा, तुमने किसी को धमकी दी। यदि ये बच्चा जो एक नाबालिग बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके लिए स्कूल या कॉलेज खोलना चाहिए था भाजपा को अपने शासन में, वो खोलने की जगह आज कांग्रेस के पक्ष में अगर वहां यहां के लोगों ने मैंडेट दिया है तो बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को तो अलग बात है, एक बच्चों के भविष्य को भी आज जो है इन्होंने एक तरीके से काला साया एक भाजपा का मंडरा गया, और जिसमें पुलिस प्रशासन यहां से पूरी तरीके से मदद कर रहा। हमारी एक एसओ को यहां से बदल रहा है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो है भाजपा के इशारे में, पूर्व मंत्री के इशारे पे चल रहे हैं, जो कि कहा जाता है, खुद ही कहते हैं कि मैं मित्र हैं मुख्यमंत्री, ये नहीं चलेगा। पुलिस जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, निष्पक्ष कार्य करने के लिए है। अगर वो एक तरफा चल रही है तो क्या कानून व्यवस्था कौन उसका कोशिश की। वो मुझसे कह रहे हैं कि अंदर आइए, हम आपसे टेबल टॉक करते हैं। टेबल टॉक क्या करनी है, यहाँ जनता को परेशान किया जा रहा है और मैं टेबल टॉक करूंगी। हद हो गई, आज 13 दिन हो गया मेरे लिए बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर। मैं, मुझे जनता ने चुना काम करने के लिए। मेरा मुद्दा यह था कि मैं जो आकांक्षाओं से, जो आशीर्वाद देके चुना, मैं काम करूं, कुछ विकास कार्य लाऊं। मेरे को भटकाने के लिए भाजपा के द्वारा, ताकि मैं इन्हीं में उलझी रहूं, ये भटकाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। यहाँ की पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मदद, और हमारे सामने यहाँ के लोगों को, जब वो लोग अपना दुखड़ा रो रहे तो उनको धमकाया गया अहमदाबाद में। और मैं कह रही हूँ कि आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है, कांग्रेसियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर परेशान करना है तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे पक्ष में यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया, तो मुझसे शुरुआत। अनुपमा रावत ने सीधा आरोप एसओ पर लगाया है और उन्हें वहां से हटाए जाने की मांग कर रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन उन्हें बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। नेशन वन के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।